दोस्तों क्या मानते हैं कि हम अपने आप को बदल सकते हैं आ, बहुत से लोग ये मानते हैं कि हमारी बेसिक नेचर जो है वो चेंज नहीं हो सकती है और बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर हम कोशिश करें हम डेफिनेटली अपने आप को चेंज कर सकते हैं तो ये जो चेंज के हैबिट्स uh, को डिस्कस करने के लिए आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर कर रहा हूँ जिसका नाम है द शिप ऑफ थीसिस अगर आपने इस स्टोरी के बारे में नहीं सुना है ये एक ग्रीक किंग की स्टोरी है और उन्होंने द सिटी ऑफ एथेंस को काउकर किया था एक वॉर में और उन्हें फेलिसिटेट करने के लिए उन्हें एक शिप दिया गया था और ये शिप शायद कभी यूज नहीं हुई हमेशा डॉक पर ही थी क्योंकि ये एक गिफ्ट दिया गया था उन्हें तो लोग इसे रूटीन कामों के लिए यूज करते थे शायद उसमें कुछ काम करते थे या उसमें रहते थे लेकिन जैसे ही साल बीतते गए जैसे हर चीज पुरानी होती है वो शिप भी धीरे धीरे पुरानी होती गई तो उसका एक पार्ट बदली करना पड़ा फिर दूसरा पार्ट बदली करना पड़ा आ, मान लीजिए पहले कुछ वुडन प्लैंक्स बदली किए गए फिर कुछ स्टील पार्ट्स बदली किए गए उसके बाद इंटीरियर्स को चेंज किया एक्सटीरियर्स को चेंज किया और धीरे धीरे कुछ साल बीतते गए और वो शिप जो थी पूरी की पूरी अलग ही दिखने लगी आ, या मान लीजिए पूरी नई दिखने लगी क्योंकि उसके सारे पार्ट्स बदली किए गए थे तो अब आप क्या मानेंगे क्या ये वही शिप है या एक नई शिप है Uh, कुछ लोग अगर कुछ लोग कहेंगे कि अगर इसमें पहले का एक पार्ट भी रह गया इसका मतलब ये पुरानी शिप है और कुछ लोग ये कहेंगे कि क्योंकि ये शिप अब पूरी नई दिखती है इसका मतलब है कि ये नई शिप है इसे हम पुरानी शिप नहीं मान सकते तो इस पर यह डिबेट तो चलता ही रहेगा कि आप इसे uh, किस टाइप की शिप मानते हैं एक नई या पुरानी लेकिन इस एग्जाम्पल को अगर हम कोरिलेट करें अपनी हैबिट्स के साथ कि uh, जैसे उस शिप को धीरे धीरे एक पार्ट कर करके पूरी तरह से बदली किया गया उसी तरह से हम हमारे हैबिट्स को भी धीरे धीरे बदल सकते हैं अगर मैं आपसे पूछूं या अगर आप मुझसे पूछे डेफिनेटली हम सब कहेंगे कि मुझे हर एरिया में अपने हैबिट्स चेंज करने हैं चाहे वो अपने करियर रिलेटेड हो हेल्थ रिलेटेड हो फाइनेंस हो रिलेशनशिप्स हो लेकिन जब हम सारे हैबिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं हमें काफ़ी ओवरवेलमिंग लगता है कि इन सारी चीज़ों को कैसे बदल बदली किया जाए क्योंकि बहुत मुश्किल लगता है और हमारी रूटीन में ये सब चीज़ें हैं नहीं तो इसी शिप के एग्जाम्पल को लेते हुए अगर हम कोशिश करें कि हम पहले एक आदत हमारी बदल सकते हैं फॉर द पॉजिटिव मान लीजिए वो आपकी एक्सरसाइज की हैबिट हो आपकी रीडिंग की हैबिट हो आपकी करियर रिलेटेड कोई हैबिट हो या आपकी रिलेशनशिप की अगर एक हैबिट हमने बदली किया और हमें ऐसा लगने लगा कुछ टाइम बाद कि ये एक हैबिट अब हमारी रूटीन बन चुकी है मुझे सोचना नहीं पड़ता मुझे करना है या नहीं और uh, मतलब बहुत ही एफर्टलेसली हो जाता है मेरे सबकॉन्शियस में वो बात जा चुकी है कि मैं जानता हूँ ये मैं करने वाला हूँ और जब हम उस स्टेज पे पहुँच जाए तब तो एक दूसरी है, हैबिट हम इंट्रोड्यूस करें हमारी लाइफ में जो हम जानते हैं कि ये भी एक पॉजिटिव चेंज ला सकती है अब एक हैबिट डालने में कितना टाइम लगे लोग कहते हैं कि आ, कुछ लोग कहते हैं तीस दिन लगते हैं कुछ लोग कहते हैं पचास दिन लगते हैं या शायद उससे भी ज़्यादा लग जाए ये पूरी तरह से आपकी डेडिकेशन हमारी डेडिकेशन हमारी एफर्ट और हमारे फोकस के ऊपर है हाँ कि हम कितना एफर्ट डालते हैं उस आदत को बदलने में लेकिन इस एग्जाम्पल को कोरिलेट करते हुए हम ये देख सकते हैं कि ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि हम एक पॉजिटिव वे में पूरी की पूरी तरह बदल जाए लेकिन क्योंकि वो चेंज लाना इतना मुश्किल हो जाता है इस एग्जाम्पल को देखते हुए हम देख हम समझ सकते हैं कि एक छोटा चेंज लाने से और उसे इम्प्लीमेंट करने से किस तरह से अगर हम एक के बाद एक नए हैबिट्स अडेप्ट करते गए हम एक साल दो साल या पाँच साल बाद देखेंगे और हम शायद हमें ऐसा लगेगा कि हम पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे हमारे सारे के सारे हैबिट्स चेंज हो चुके हैं फॉर द पॉजिटिव तो ऑब्वियसली मैं एक पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ ये एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ किया जा सकता है जो मैं उम्मीद करता हूँ कोई ये वीडियो देख के नहीं करेगा Uh, लेकिन uh, इसका एसेंस यही है कि जब एक हैबिट हमारी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन जाए हम एक दूसरी हैबिट इंट्रोड्यूस करें और फिर एक तीसरी हैबिट इंट्रोड्यूस करें और फिर वो शिप ऑफ थीसिस की तरह जैसे वो देखने में बिल्कुल ही अलग दिखने लग गई हम भी ये उम्मीद करेंगे कि कुछ साल बाद हम भी एक बिल्कुल ही अलग इंसान हो जाएंगे फॉर द पॉजिटिव और हमें लगेगा कि हाँ हम वी हैव रियली इट इज़ पॉसिबल टू चेंज इफ यू पुट इन द एफर्ट तो दोस्तों आज मुझे ये वीडियो शेयर करना था आपके साथ क्योंकि ये शिप ऑफ थीसिस कांसेप्ट मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको कुछ बेनिफिशियल मिला है वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच